आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हम अपने पर्स में कई चीजें रखते हैं, पार्किंग टिकट, विजिटिंग कार्ड, एटीएम कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, बेकार पड़ी रसीदें और पैन कार्ड। हाँ, वही पैन कार्ड जिसके बारे में लता दीदी ने कहा था, मेरी आधार ही पहचान है अगर पैन ना हो। मजाक कर रहा हूँ भाई। भारत में पैन कार्ड के बिना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना एक मुश्किल काम है और कई बार नामुमकिन भी, अगर वो कानूनी दायरे में है, मतलब ब्लैक मनी नहीं है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर डीमैट अकाउंट बनाने तक पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति से जुड़ी कई जानकारियां पैन कार्ड पर मौजूद होती हैं, मसलन उसका नाम, उसके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी तस्वीर और हस्ताक्षर। इसके अलावा 10 अंकों की एक संख्या भी लिखी होती है जिसे पैन नंबर कहा जाता है। वो नंबर ऐसा ही कोई रैंडम नंबर नहीं होता, उसमें कई जानकारियां छिपी होती हैं। वो क्या होती हैं और वो आपके लिए कितनी जरूरी हैं, आज के एपिसोड में हम उसकी ही बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है गर्विन। नंबर्स और अंग्रेजी के अक्षरों के मिश्रण से बनता है पैन नंबर। शुरुआत में 5 अंग्रेजी के अक्षर ही होते हैं, उसके बाद 4 संख्या होती हैं, फिर अंत में 1 अंग्रेजी का अक्षर होता है। आयकर विभाग खास तरीके से पैन नंबर जारी करता है। भरोसा नहीं है तो आप खुद का पैन कार्ड निकाल कर देख सकते हैं। पैन कार्ड में मौजूद जानकारियाँ बेहद खास होती हैं। अगर आप उसे ऐसे ही बांटते फिरते हैं तो ये आदत किसी दिन आपको डुबा भी सकती है। तो जहाँ बहुत जरूरी हो वहीं इसे शेयर कीजिए। एक से ज्यादा पैन भी कोई नहीं रख सकता। ये कोई सिम कार्ड नहीं होता। 2 पैन कार्ड रखने पर 10,000 तक का जुर्माना लगता है। तो अगर गलती से भी आपको 2 पैन कार्ड मिले हैं तो उनमें से एक को जरूर जमा कर दीजिए। अब आते हैं असल बात पर, वही जिससे शुरुआत की थी। पैन कार्ड का हर अक्षर क्या कहता है? तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत के 3 अंग्रेजी अक्षर के बारे में, जो ये बताते हैं कि AAA से ZZZ के बीच में अभी कौन सा अल्फाबेटिक सीरीज चल रही है। उसके बाद का जो 4th अंग्रेजी अक्षर होता है उसमें बड़ी जानकारियाँ छिपी रहती हैं। ये बताता है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में क्या हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपके पैन कार्ड का 4th अक्षर P होगा। इसी तरह सभी अक्षरों का एक खास मतलब होता है। अगर वहाँ F लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये पैन नंबर किसी फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को जारी किया गया है। और अगर T लिखा हुआ है तो समझिए कि ये एक ट्रस्ट का पैन कार्ड है। H का मतलब हुआ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, माने हिंदू अविभाजित परिवार। ये सिर्फ हिंदू परिवारों को दिया जाता है। इसी तरह B का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जब कुछ लोग पैसा कमाने के लिए एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं तब उनके पैन का 4th अक्षर B होता है। L का मतलब लोकल अथॉरिटी, J का मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और G का मतलब गवर्नमेंट एजेंसी। अगर पैन नंबर में 4th अक्षर A है तो उसका मतलब समझिए वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल रहा है। ये भी B की तरह ही है लेकिन थोड़ा अलग है। इसके बाद पैन नंबर में मौजूद जो 5वां अक्षर होता है उसका नाता आपके नाम से होता है। अगर वो पैन कार्ड किसी एक व्यक्ति को जारी हुआ है तो उसके नाम के फर्स्ट नेम का पहला अक्षर ही पैन नंबर का 5वां अक्षर होगा। अगर वो किसी संस्था, ग्रुप, ट्रस्ट आदि को जारी हुआ है तो उसके नाम का पहला अक्षर पैन नंबर का 5वां अक्षर होगा। इसके आगे जो 4 नंबर होते हैं वो सीक्वेंस नंबर होते हैं, जो सीरीज पहले 3 अंग्रेजी के अक्षरों की चल रही होती है। इस तरह हमने 9 डिजिट की तो बात कर ली है, अब पैन कार्ड के 10वें अक्षर की बात करते हैं। वो भी अंग्रेजी का ही अक्षर होता है और वो एक चेक डिजिट होता है। ये रही पैन कार्ड के नंबरों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। आगे की जानकारी यही है कि आधार को पैन से लिंक कराइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। आगे कोई इससे भी जरूरी बात रही तो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो अपने अनुभव के हिसाब से हमें रेटिंग जरूर दीजिए। आप हमें लिख भी सकते हैं, पता है radio@aajtak.com। अगर आपकी रुचि इतिहास के मजेदार किस्सों और कहानियों में है तो आप हमारा खास पॉडकास्ट इति इतिहास भी सुन सकते हैं। मेरा नाम है गर्वित, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते
रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर, हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।